हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को लकड़बग्घों के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लकड़बग्घा एक मांसाहारी जानवर है जो कुत्ते के समान दिखाई देते हैं, हालांकि ये कुत्ते के परिवार से किसी भी रूप से संबंधित नहीं होते हैं। इन्हें पर्यावरण का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, क्योंकि लकड़बग्घे मरे हुए पशुओं का सड़ा गला मांस खा जाते हैं और हड्डियां तक नहीं छोड़ते हैं। लकड़बग्घा बड़े आकार का कुत्ते की तरह दिखने वाला एक मांसाहारी जानवर है। ये अफ्रीका और एशिया के सवाना, घास के मैदान, रेगिस्तान, जंगल और पहाड़ों में पाए जाते हैं। इनका जीवन काल 12 साल का होता है, लेकिन वे 25 साल तक भी जीवित रह सकते हैं। नर और मादा लकड़बग्घा एक जैसे दिखते हैं और उनमें समान गुप्तांग भी होते हैं, लेकिन केवल मादा लकड़बग्घा ही जन्म देती है। लकड़बग्घा का आकार एक जैसा नहीं होता है। सबसे बड़े आकार का लकड़बग्घा चित्तीदार लकड़बग्घा, जिसकी लंबाई लगभग 2 मीटर और कंधे की ऊंचाई लगभग 80 सेंटीमीटर तक होती है। इनका वजन लगभग 90 किलोग्राम तक होता है। मादा लकड़बग्घा नर की तुलना में अधिक आक्रामक होती है। लकड़बग्घा अपना 95% आहार जानवरों का शिकार करके प्राप्त करता है। लकड़बग्घे मृतभक्षी होते हैं, जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। एक लकड़बग्घा एक बार में अपने शरीर के वजन का 1/3 खाना खा सकता है। लकड़बग्घा खाना बर्बाद नहीं करता है, वह जानवर की हड्डी से लेकर खुर तक खा जाता है। ये समूह में रहने वाले जानवर हैं, उनके समूह को क्लान कहा जाता है। प्रजाति अनुसार उनके समूह के आकार छोटे बड़े होते हैं। इनके समूह में लगभग 80 सदस्य हो सकते हैं। लकड़बग्घे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। मादा लकड़बग्घा सामान्यतः एक बार में 2 से 4 बच्चों को जन्म देती है। लकड़बग्घों के बच्चों को शावक कहा जाता है। जन्म के बाद लकड़बग्घों के बच्चों की आंखें 5 से 9 दिन तक बंद रहती हैं। कायर और डरपोक के रूप में जाना जाने वाला लकड़बग्घा खतरनाक भी हो सकता है। अन्य जानवरों और इंसानों पर हमला कर सकता है। लकड़बग्घों में केवल चित्तीदार और धारीदार लकड़बग्घा ही आदमखोर होते हैं। लकड़बग्घा और शेर के बीच क्षेत्राधिकार और शिकार को लेकर हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती हैं, क्योंकि उनके रहने का क्षेत्र और आहार एक ही जैसा होता है। शारीरिक डील-डौल में लकड़बग्घा से बड़ा होने के कारण लड़ाई में अक्सर शेर उस पर भारी पड़ता है। लकड़बग्घा और शेर एक दूसरे द्वारा मारे गए शिकार चुराने के लिए भी जाने जाते हैं। शिकार के बाद लकड़बग्घा द्वारा अपने साथियों को बुलाने के लिए दी जाने वाली आवाज को शेर पहचानता है और शेर वहां पहुंचकर उसका शिकार छीन लेता है। लकड़बग्घों को बहुत ही बुद्धिमान जीव माना जाता है। वे बंदरों और चिंपैंजी की तरह गिनती सीख सकते हैं। वे भोजन से भरे हुए स्टील के बॉक्स को भी खोलने का तरीका खोज निकालते हैं। तो मैंने आपको लकड़बग्घों के बारे में कुछ रोचक जानकारियां दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।